हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी बाइक बोर्ड निवेशक साथियों का हमारे स्टी न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बाइक बोर्ड साथियों, आज आपके लिए जो लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आए हैं वह आपको हक दिलाने के लिए है और आपका पैसा आपको दिलाने के लिए है। हम जानते हैं कि जब से बांसवाड़ा के निवेशकों के साथ पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज किया था, जब से उन निवेशकों में हताश और निराशा और डिस्प्रेशन बना हुआ है। तो दोस्तों, ऐसे में आपसे हमारा अनुरोध है कि आप अपने आप को संभालें और इस वक्त सभी चिटफंड कंपनियों के लिए, जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पल्स, सहारा और अदर कंपनियों के, इस वक्त जो निवेशक हैं उन निवेशकों के लिए एक बड़ी मुहिम चलाई जा रही है, जो ऑल इन्वेस्टर ऑर्गेनाइजेशन, जी हाँ दोस्तों, सभी चिटफंड पीड़ित निवेशकों के लिए ये एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया जा रहा है। तो दोस्तों, सभी बाइक बोर्ड निवेशकों से हमारा अनुरोध है कि वह एक किसान के 5 बेटों की तरह अलग अलग लकड़ी की को ना तोड़ें, संगठित होएं और लकड़ी के एक मोटे गट्ठड़ को आप अपनाएं ताकि आप में मजबूती आए। तो दोस्तों, आपका पैसा मिलना जब ही सुनिश्चित होगा जब आप सभी चिटफंड कंपनी पूरे भारतवर्ष की, चाहे कोई सी भी कंपनी हो, उन सब कंपनियों के लिए ये 6 नवंबर को एक बहुत बड़ा अभियान जाएगा। उस अभियान में दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आवास का घेराव किया जाएगा। तो दोस्तों, आप बाइक बोर्ड निवेशकों से हमारा अनुरोध है कि आप किसान के बेटे की अलग अलग लकड़ी ना तोड़ें, संगठित होएं और संगठित होकर अपने बैनर के तले वहां पर उपस्थित हों। और दोस्तों, अगर आपसे संगठनों से संपर्क करना है तो आप ISO के बैनर तले उनके कार्यकर्ताओं से संपर्क कर सकते हैं और भारतीय जन लोक सेवा दल के बैनर तले उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं, जैसे कि अमित गर्ग, विकास त्रिपाठी जी वगैरह वगैरह, जितने भी वहाँ के कार्यकर्ता हैं उनसे आप अपने संपर्क कर अपने संगठन को अपने बैनर तले वहाँ पर उपस्थित रहें ताकि आपकी उपस्थिति वहां दर्ज हो सके और आपके डूबे हुए पैसे, जो इस वक्त भारत की डूबती हुई अर्थव्यवस्था में आप पर दोरी मार पड़ रही है। तो दोस्तों, प्रशासन अकेले को दबाता है जब हिंदुस्तान की सभी चिटफंड कंपनियों के एक स्टैंड पर होंगे और वहां पर जो भी होगा बहुत बड़ा जुलूस, जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा एक ऐसा उस वक्त माहौल होगा जिसमें आप लोगों को संगठित देखकर सरकार भी हिल जाएगी। तो दोस्तों, ये बड़ी न्यूज़ आपको इसलिए दी जा रही है कि आप 6 नवंबर दिल्ली चलो अभियान में सम्मिलित होएं और वहां पर अपने हकों की लड़ाई के लिए सभी चिटफंड कंपनियों के साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। तो दोस्तों, आपसे हम ज़्यादा कुछ ना कहकर इतना ज़रूर कहेंगे कि हमारी अगर इस बात पर ज़रा भी आपको विश्वास हो और इसमें दम लगे तो दोस्तों ये कोशिश करके देखें और इस कोशिश में आपको कामयाबी हाथ लगेगी, ये हमारा दावा है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि PSEL के निवेशकों ने इकट्ठे होकर सेवी विभाग पर दबाव डाला और दबाव डालने के आधार पर उनका प्रोसीजर चालू किया गया, लेकिन वो 5,000 तक का ही चालू किया गया, उससे आगे के लिए ये फिर वहाँ पर इस वक्त मोदी जी के घेराव पर जा रहे हैं। तो दोस्तों, 6 नवंबर को ये मोदी जी का घेराव कर अपने पैसों के हितों के लिए आगे, जी हाँ दोस्तों, इसके प्रोसीजर को जल्द से जल्द आगे बढ़ाया जाए, ज़्यादा पैसा दिया जाए, इस पर्पस में ये सभी निवेशक वहाँ पर जाएंगे। तो दोस्तों, अभी तो आपका पैसा मिलने का कोई सही तरीके से प्रोसीजर भी नहीं चालू हुआ, तो आप सब निवेशकों को चाहिए कि सब संगठित होकर वहां पर अपनी आवाज़ को बुलंद करें, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, अपने साथ जो
आपकी कंपनी को, जिस तरीके से आपकी कंपनी को निवेशकों को ठगा गया, वो सारी उन तक ये जानकारी है, उन जानकारियों को ये आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों आपसे हमारा अनुरोध है कि आप 6 नवंबर के इस महाअभियान में सम्मिलित होएं और अपनी आवाज़ को बुलंद करें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अच्छी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए यूएस खान को दे इजाज़त, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।